सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। नमस्कार, आप दर इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ग्रीटिंग्स बलिया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडी तहसील क्षेत्र के मनिकापुर गांव में ग्राम प्रधान धोखाधड़ी और गमन का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में करोड़ों का घोटाला किया गया, जिसको लेकर आज बांसडी तहसील दिवस पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर और तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से अधिकारी को अवगत कराया गया और जिला अधिकारी ने 15 दिन बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंत्री, ग्राम पंचायत मानिकपुर का मैं निवासी हूँ। हमारे यहाँ 3 वर्ष पूर्व में करोड़ों रुपया का घोटाला कर लिया गया कागजों में और धरातल पे काम नहीं हुआ है। इसके लिए किसके द्वारा घोटाला किया गया? ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा करोड़ों रुपया का 3 साल पूर्व में भुगतान कर लिया गया कागजों में और धरातल पे कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग बहुत संघर्ष किए। उसके बाद डीएम साहब द्वारा त्रिस्तरीय जांच कमेटी बैठाई गई और वो त्रिस्तरीय कमेटी 16/11/2019 को जांच करने गई। और आज आप लोग कहाँ पर आए हुए हैं? आज हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस था और तहसील दिवस पे पता चली ग्रामीणों को, हम लोगों को, कि डीएम साहब वहाँ आने वाले हैं। तो हम लोग आए अपने समस्या को लेके कि 16/11/2019 को जो जांच त्रिस्तरीय कमेटी के द्वारा आख्या दे दी गई है कि करोड़ों का घोटाला कर लिया गया है, ये सिद्ध हो गया और अभी तक प्रधान और सचिव पर FIR नहीं हुआ और उसका खाता बंद नहीं हुआ और उसकी गुंडई और लूट खसोट अभी भी चल रहा है। इसके संबंध में हम लोग डीएम साहब से ज्ञापन लेके मिलने आए और समस्या का समाधान कराने आए, जिससे डीएम साहब के द्वारा हम लोगों से कहा गया कि उस पर कार्रवाई कराई जा रही है, कार्रवाई हो जाएगी, जारी हो चुकी है 15 दिन का। डीएम साहब, जिला अधिकारी महोदय द्वारा 15 दिन का समय लिया गया है और 15 दिन में अगर FIR और हिकलब खाता बंद प्रधान और सचिव का नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। लेकिन सर उसमें निवेदन हम ये करना एकदम से आप कहो कि अभी हम नहीं नहीं निवेदन है सर इसमें कि 16 तारीख नोटिस जारी हो गए, 11 तारीख को हम लोगों का आमरण अनशन था, उसमें DPRO साहब कहे कि हम FIR और नोटिस दोनों जारी कर रहे हैं। हमारी हाईकोर्ट के साथ से भी बात हुई, हाल है कि हमारा हाईकोर्ट में भी चल रहा है। हाईकोर्ट के वकील साहब कहे, बात भी करा देंगे, उसमें वो कहे कि जो FIR है वो अलग प्रक्रिया है और जो 100 पेज नोटिस है वो अलग प्रक्रिया है। हम कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जो कोई अधिकारी जाके आपसे कह दिया गलत या सही, बिना पूरा अवसर दिए हम आपको कहते हैं कि आप बहुत तेज बात कर रहे हो, हमें FIR कर रहे हैं, ये मतलब नहीं। वो जब वो अवसर उसको मिल जाएगा तो FIR भी होगा।